जाओ, क्या करूं, कहीं मेरे बाजार लोगों को पता लग गया, मोहल्ले में कितनी बदनामी होगी, क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं, कुछ पता चला उसका? नहीं अम्मी, उसका फोन बंद है। मैं कहती थी ना, वो कोई ना कोई चांद चढ़ा करेगी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि उससे पूछो उसकी मर्जी क्या है। क्या तुमने उससे पूछा नहीं? ये सब तुम्हारी वजह से, तुम ही ने उससे शह दी है, वरना वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, वो नहीं उठा सकती इतना बड़ा कदम। लोगों ने मुझे बदनाम करवा के रख दिया। अरे हम तो पहले तुम्हारी दीवी मैल अभी तक अपने चेहरों से नहीं उतार सके। उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मी अम्मी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी छोटी बहन है, उसका बुरा क्यों चाहूंगी? उससे मैं आपके दिल में जो आता है आप मुझे कह देती हैं। काश तुम्हारे अब्बा की जगह मैं मर गई होती। छोड़ो मुझे, ज्यादा से ज्यादा जहन्नुम की आग में जाती ना। इस आग से तो बेहतर था ना कभी खाने के लाले, कभी फीसों के लाले, कभी किसी चीज का। और सबसे बढ़कर मेरी इज्जत की चादर तूने उतार ली। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया। या अल्लाह तो मुझे उठा ले इस दुनिया से। नुशाबा आ गई है। नुशाबा आ गई है? कहाँ गई थी मुझे बताओ, कहाँ गई थी तू? बताओ मुझे कहाँ गई थी? कहीं नहीं गई थी, नौकरी की तलाश में गई थी। बकवास कर रही है, इस वक्त कौन सी नौकरी रखी हुई है तेरे लिए? झूठ बोल रही है भरत। अगर चली गई तो कौन सी कयामत आ गई? हाँ इस घर में दो वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। आप भी कहती हो ना एक वक्त खाओ और एक वक्त फागा करो। उसकी मदद के लिए गई थी ताकि इस घर के अंदर दो दो लड़कियां कमाने वाली हो, लेकिन नहीं, आपको तो मेरे किरदार पे शक है अम्मी। मुझे तो लगता है कि आप मेरी सगी माँ है ही नहीं, सौतेली हैं आप। बॉस करती है बेगैरत, मुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अमल जी, तुझे क्या लगता है ये सच बोल रही है? अम्मी आप क्यों हलकान कर रही हैं अपने आप को? आए बैठे, आशु पानी लेके आओ अम्मी के लिए। आए तुमने अपने रिजल्ट के बारे में अमल बाजी को बताया? अभी नहीं बताया, बाद में बताऊंगा। जब वो आएंगे ना तो मैं उनको बताऊंगी। कैसे बताऊंगी? उठो। हाँ बताऊंगी, तुम क्या कर लोगे? एक अल्फाज निकाला ना तुमने मुंह से, हशर बुरा कर दूंगा मैं। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? बाकी सब भी तो लड़ते रहते हैं, मैंने लड़ लिया तो क्या हो गया? आहिस्ता बोलो, क्या हो गया? तबीयत खराब है अम्मी की, शोर तो मत मचाओ। क्या हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ आज? नाश्ता तो करो। नहीं करना, मैंने हटे यहाँ से। अरे इसको तो लेकर जाओ, जाओ। अमल आप ही पैसे देते हैं, आज अम्मी की तबीयत खराब है। ओहो अच्छा मैं देती हूँ, पकड़ो बैग, पकड़ो जल्दी। आदिल रुको, लेके जाओ इसको, आओ जल्दी आओ, पैसे देती हूँ। अम्मी अम्मी चाय पी ले। उन दोनों को नाश्ता करके भिजवा दिया था मैंने, खर्ची के पैसे भी दे दिए थे। ठीक है, बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगी बुटीक के लिए, आज मैडम ने जल्दी बुलाया है, कुछ काम है। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा वो नुशाबा से मत उलझिएगा, मैं खुद रात को आके बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आज तुम सुबह सुबह ही घर आ गई, सब ठीक तो है ना? हाँ मैम ने जल्दी बुलाया था आज, लेकिन वहां जाने से पहले तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। हाँ बोलो, सब खैरियत है ना?
खैरियत ही तो नहीं है क्या? निकाल और शामी में से फिर तुम्हें कोई तंग? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घर का मसला है। क्या मसला है बताओ तो सही अमल। नौशाबा कल घर से भाग गई थी। क्या? हाँ, काफी दिनों से ये किस्सा चल रहा है। बस इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए उसके लिए, और ऐसे लोग हों जो जहेज ना मांगे। देखो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी इस तरह का रिश्ता मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसी बातें करके मायूस करोगी मुझे। आंटी से बात करो ना, उनको बोलो कि कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दे नौशाबा के लिए, इतने जानने वाले हैं उनके। तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, कितने ताने देती है तुम, कितने दुख दिए उसने तुम्हें, अपने हाथ से कोई मौका जाने नहीं देती कि तुम्हें ये जता सके कि तुम उसकी सौतेली बहन, और तुम यहाँ बैठे उसकी फिक्रें कर रही हो, तुम्हें उसकी तकलीफ हो रही है। क्योंकि वो मुझे सौतेला समझती है ना, मैं तो उसे नहीं समझती। अमन, तुम्हारी ये अच्छाई ना एक दिन नुकसान पहुंचाएगी, दुख देगी, और मैं सबके लिए तैयार हूँ। अगर अब्बा जिंदा होते तो वो भी तो यही कुछ सोचते ना उसके बारे में, कि उसकी शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए। मुझे भी ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए और यही करना चाहिए। तुम प्लीज अम्मी से बात करो ना, आंटी को बोलो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दें उसके लिए।